नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, UPNHM भर्ती पद निरस्त। लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा दोस्तों, विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी भर्ती पद निरस्त करने के लिए। देखते हैं दोस्तों कौन सा पद निरस्त किया गया है। आप लोग को बता दे रहा हूँ, परीक्षा हो गई है, उसके बाद जो है रिजल्ट अभी नहीं निकला है और पद को निरस्त कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। यह न्यूज़ सभी भाई बहनों तक पहुँच जाना चाहिए जो अभ्यर्थी UPNHM भर्ती के लिए परीक्षा दिए हैं। दोस्तों यह देखिए दोस्तों, कौन सा भर्ती पद जो है रिजल्ट के लिए जो है निकलने से पहले इसको निरस्त कर दिया गया। परीक्षा हो गई थी जबकि कोई दिक्कत नहीं हुआ था उसके बाद भी। यह देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन अभी अभी जस्ट यही आया है, आप देख सकते हैं। दिस इज इन रिफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट, आप मिला सकते हैं 18/10/2021 रिगार्डिंग 2400 प्लस संविदा की वैकेंसी स्टाफ नर्स की जो आई थी, परीक्षा हो गई थी, उसके बाद दिया गया कि काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ क्लाउज नंबर 4। इसमें देख सकते हैं सोसाइटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑल पोजिशन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। नंबर ऑफ वैकेंसी मे वेरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इन दिस कॉन्टेस्ट फॉलोइंग अमेंडमेंट और इन कॉर्पोरेट विद दिस कोरेंडम। इसमें साफ साफ दिया गया है कि यह पद एकदम से कंसील कर दिए गए हैं इस जिले के, पहले से जो प्रस्तावित था एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरेंडम रिगार्डिंग चेंज इन एडवर्टाइज वैकेंसी NUHM स्टाफ नर्स UCSC झांसी। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है पद जब आए थे इसमें तो दोस्तों 28 पद थे और जिसमें 10 पोस्ट जो है झांसी का था और बनारस का जो है 18 पोस्ट था। अब जिसमें रिवाइज वैकेंसी के अनुसार अब कितने हो गए हैं आप देख सकते हैं, 18 पद, यानी 10 पद जो है काट दिए गए हैं। बनारस के 18 पद हैं और झांसी में एकदम एक भी सीट नहीं है, 0 सीट कर दी गई है। इसका मतलब दोस्तों जल्द ही आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स 2445 पोस्ट पर जो परीक्षा हुई थी, अब वह कितने पद रह गए हैं, 10 जो है पोस्ट कट गए हैं। इसमें से 2445 में से -10 यानी कितने बचे हैं, 2435 पद जो है टोटल बचे हुए हैं। अब 2435 पद पर जो है रिजल्ट निकलेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, रियल न्यूज़ बता रहा हूं, आप देख सकते हैं एकदम जो है अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है, अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन यह जारी हुआ है। और इसमें जो है अब इससे ये पता चल रहा है कि 2445 का रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा। दोस्तों जो मैं बताया था आप लोगों को, जो भी बताता हूँ रियल बताता हूँ दोस्तों, फेक न्यूज कभी नहीं बताता हूँ। यह वैकेंसी जो है लेस कर दी गई है, ऐसे मैं आप लोग को बताया था UPNHM ANM का जब 5000 पोस्ट आया था उसमें से घट गए थे कुछ सीटें, 2971 बची थी, तो मैं तुरंत बता दिया था कि आप लोगों का रिजल्ट बनकर तैयार है। वैसे यही भी, यह भी देखिए दोस्तों 2445 का जो है रिजल्ट जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज हो या शिक्षा विभाग से संबंधित, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।